करियर के पीक पर ना छोड़ती इंडस्ट्री तो आज सुपरस्टार होती ये एक्ट्रेस। शादी कर बन गई परफेक्ट पत्नी, पहचाना। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां रही हैं जिन्हें अपने करियर की शुरुआत में ही सफलता मिल गई और शोहरत मिलने के बाद वो जल्द ही अपने उभरते करियर को टाटा बाय बाय कहकर चली गई। जी हाँ, आज उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक की बात हम करने वाले हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। जी हाँ दोस्तों, वो काफी सिंपल सी लड़की थी। इन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। सनी देओल, अजय देवगन से लेकर संजय दत्त, शाहरुख खान और शाहिद कपूर के साथ भी इन्होंने काम किया, लेकिन फिर अपने अच्छे खासे करियर को छोड़ दिया और इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। तो क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि ये कौन सी एक्ट्रेस है? अगर आप नहीं समझ पाए हो तो आपको हम बता दें कि इन्होंने शाहिद कपूर के साथ एक नहीं बल्कि तीन तीन फिल्मों में काम किया है और एक्टर के साथ इनकी जोड़ी खूब पसंद की जाती है। दोनों ने साथ में एक ऐसी फिल्म भी की है जो आज भी दर्शकों के बीच छाई रहती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री अमृता राव है। अमृता राव ने 2002 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब के बरस से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म में उनके साथ राज बब्बर के बेटे आर ए बब्बर नजर आए थे। इसी फिल्म के बाद अमृता का करियर चल पड़ा और वो लगातार कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही। अब के बरस के बाद वो 2003 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म इश्क विश्क में नजर आई थी, जिसमें शाहिद कपूर लीड रोल में दिखाई दिए थे। इसके बाद वो शाहिद कपूर के साथ वाह लाइफ हो तो ऐसी और विवाह जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी। दोस्तों, फिल्म विवाह में दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। इसके अलावा अमृता ने शाहरुख खान और सुष्मिता सेन स्टारर फिल्म मैं हूं ना में भी काम किया था और उन्होंने 2007 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म अतिथि में भी काम किया। अमृता आखिरी बार 2019 में रिलीज हुई ठाकरे में दिखाई दी थी, जो उन्होंने अपनी शादी के बाद की थी। इसमें उन्होंने मीना ताई का किरदार निभाया था। अमृता ने बेहद सिंपल सेरेमनी में 15 मई 2016 को आरजे अनमोल से शादी की थी और एक्ट्रेस और एक्टिंग की दुनिया से दूर अपना घर संभालने में जुटी हुई हैं। फिलहाल दोस्तों, अमृता राव की आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।